विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज मर्क्यूरियस डल्किस. ठीक है, ये रेमेडी कैलोमेल से बनाई जाती है एंड दिस इज इट्स केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, बेसिकली ये जो मर्क्यूरियस डल्किस रेमेडी है ये म्यूकस मेम्ब्रेन के कैटरल इफेक्शंस के लिए दी जाती है. ठीक है, और वो भी किसके, स्पेशली ऑफ द आईज एंड ईयर्स, आंख और कान के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है. ठीक है, तो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. बेसिकली अगर कैटरल इन्फ्लेमेशन हो रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन का मिडिल ईयर की और यूस्टाशियन ट्यूब क्लोज हो जा रही है किसी पेशेंट की, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ठीक है, कैटरल डेफनेस मिलती है और ओटोरिया मिलती है सोरिक चिल्ड्रन में, मतलब इसका जो पर्सन होता है उसमें बहुत ज्यादा डेफनेस है और ईयर में से डिस्चार्ज होता है. ठीक है, ओल्ड एज में अगर डेफनेस की प्रॉब्लम आ रही है सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. अगर कोई पर्सन है जिसमें प्रोस्टेटाइटिस है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इफेक्शन है, या फिर कोई भी मैल ट्रीटेड स्ट्रिक्चर है, ठीक है, मतलब जो नैरोइंग होती है वो हो गई है, सो वी कैन प्रिस्क्राइब मर्क्यूरियस डल्किस. डेफनेस एंड कैटरल इफेक्शंस ऑफ नेयर्स, कान में पर्सन को अगर सुनाई नहीं दे रहा हो या फिर नोज में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो अगर नेयर्स, थ्रोट या फिर फैरिंग्स जो है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. अगर जो पर्सन है उसमें डायरिया की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो स्टूल है वो ग्रास ग्रीन आ रहा है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग AIPGT, दैट चॉप्ड एग्स जैसी चीजें स्टूल में मिल रही है, सो दैट इज मर्क्यूरियस डल्किस. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट मर्क्यूरियस डल्किस. इस रेमेडी में मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो इसके म्यूकस मेम्ब्रेन्स या फिर बेसिकली आई, ईयर्स और नोज, इसके सिम्टम्स पूछे जाते हैं. ठीक है, तो थ्री ईज, आई, ईयर एंड नोज आर इम्पॉर्टेंट इन दिस रेमेडी मर्क्यूरियस डल्किस. ठीक है, तो अगर मैं मर्करी ग्रुप की तीन रेमेडीज जो है मर्क्यूरियस कोरोसिवस, ठीक है, मर्क्यूरियस साइनाइड और मर्क्यूरियस डल्किस को रिवाइज करूं, तो मर्क्यूरियस कोरोसिवस में बेसिकली जो सिम्टम्स पूछे जाते हैं वो इसके GIT के हैं. ठीक है, साइनाइड में थ्रोट पूछा जाता है और डल्किस में इसकी आईज, ईयर्स और नोज, या फिर आप इसके जो जो भी सिम्टम्स हैं इसके म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड. ठीक है, ये थ्री ईज नहीं होगा, 2E and 1N बेसिकली आई, ईयर और नोज के सिम्टम्स पूछे जाते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो दो जो म्यूकस मेम्ब्रेन का सिम्टम्स है वो भी पूछा जाता है. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट मर्क्यूरियस डल्किस. आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.